हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीके की दुनिया, जिसमें हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बैटरी और सेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2। चलिए देखते हैं। द्वितीयक सेल, हमने प्राथमिक सेल पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिन्होंने प्राथमिक सेल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल में कौन कौन सा सेल आता है? तो दोस्तों, द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल आता है। तो चलिए दोस्तों, पहले लेड एसिड सेल से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल में धन प्लेट किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, धन प्लेट किसका बना होता है? तो लेड पैराऑक्साइड का। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल में रिन प्लेट किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, धन प्लेट होता है और रिन प्लेट होता है, जिसमें रिन प्लेट किसका बना होता है? तो शीशे का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल में धन प्लेट की संख्या रिन प्लेट की संख्या की कितनी होती है? रिन प्लेटों की संख्या की संख्या से होती है, तो एक कम। जी हाँ दोस्तों, रिन प्लेट की संख्या एक कम होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल में प्रत्येक धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके, इसलिए रिन प्लेटों की संख्या कितनी अधिक रखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, तो एक अधिक रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, रिन प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है और धन प्लेट की संख्या एक कम रखी जाती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट, जी हाँ दोस्तों, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल के दोनों प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेपरेटर को। जी हाँ दोस्तों, सेपरेटर का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, तो विद्युत वाहक बल जो होता है 2.2 वोल्ट होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल लोड से, जी हाँ दोस्तों, लोड से संयुक्त करने पर कितना हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो 2 वोल्ट सेल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो प्लेटों की आकार तथा उनकी संख्या पर। जी हाँ दोस्तों, उसकी आकार और उसकी संख्या पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है लेड एसिड सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मोटर गाड़ी में और रेलगाड़ी में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है उच्च दाब पर विद्युत धारा प्रदान करने वाली गैस, सॉरी, प्रदान करने वाली जगह है। जी हाँ दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाली जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, ये आंसर में था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, ये भी आंसर ही है। कहा जाता है लेड एसिड सेल की क्षमता कितनी होती है? तो 90 से 95%। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और कोई सूचना या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लेड एसिड सेल फुल चार्ज हो जाती है तो इसका प्लेट का कलर कैसा हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका प्लेट का कलर कैसा हो जाता है? तो स्लेटी रंग। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन है निकिल आयरन सेल से। तो चलिए दोस्तों, निकिल आयरन सेल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम क्या है? तो एडिसन सेल, इसका दूसरा नाम एडिसन सेल है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है निकिल आयरन सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? जी दोस्तों, तो विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो 1.2 से 1.5 वोल्ट तक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? जी हाँ दोस्तों, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर घंटा में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है निकिल, सॉरी दोस्तों, निकिल के जगह पर निखिल लिखा गया है, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। कहा जा रहा है निकिल आयरन सेल की क्षमता कितनी होती है? तो 80%। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है? तो डीसी स्रोत, तो आप लोग सभी जानते हैं, तो डीसी
एसी से डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है बैटरी चार्ज की अवस्था में अवस्था को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसको अवस्था को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कहा जा रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार का जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो डीसी शट जनरेटर। जी हाँ दोस्तों डीसी शट जनरेटर। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों अगर आपका ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो ला सकें।